सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, बताऊंगा बाद में क्या स्पेशल है क्या नहीं। आज मैं तुम्हें इस ब्लॉग में ये नहीं दिखाने वाला कि हम जो डेढ़ महीने से टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, क्या नहीं कर रहे हैं, ऑल एंड ऑल ये सब नहीं दिखाने वाला मैं तुम्हें, क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अभी बहुत दिनों से। जब से हमने टूर्नामेंट नहीं खेल रहे ई स्पोर्ट्स को, हमने बोला है कि तुम थोड़ा भैया साइड में रहो, क्योंकि हमने अपने 2 से 2.5 साल ई स्पोर्ट्स को दिए हैं और अभी ई स्पोर्ट्स इंडिया में है नहीं, तो हम नहीं चाह रहे कि हम अपना और टाइम उसको दें जब तक ई स्पोर्ट्स नहीं आ रहा है। जब आएगा हम उसको पूरा टाइम देंगे जैसे हम पहला दिया करते थे, और तुम्हें द डिस्ट्रॉयर वापस दिखेगा जरूर, याद रखना है बात, मैं इस ब्लॉग में बोल रहा हूँ आप लोग सबके सामने, ठीक है, याद रखना, क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को मैं बात। आगे रहते हैं इस ब्लॉग पे, ऊपर बात करते हैं कि सीन क्या है इस ब्लॉग में। तुम्हारे भाई ने ऑलमोस्ट थिएटर बुक कर दिया है, क्योंकि आज का दृश्यम 2 जिसने देख लिया उसको पता होगा वो मूवी देखने लायक है कि नहीं, तो कमेंट में बताना तुम लोगों को कैसी लगी। मैंने अभी तक देखी नहीं है, 1 देखी है, बहुत प्यारी मूवी थी, तो मैंने कहा 2 आई तो देखना जरूर है। तो आज तुम्हें मैं नए लोगों से मिलाऊंगा जो मेरे दोस्त बने हैं यहाँ पे, और अपने पुराने तो सारे हैं मित्र, उन सबसे भी मिलाऊंगा। और अभी हम 1.5 महीने बाद आज के दिन टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, और अभी हो रहे हैं 9:30 और 10 बजे का टूर्नामेंट है, तो मैं उठ चुका हूँ, जाऊंगा टूर्नामेंट खेलूंगा, स्ट्रीम करूंगा रूटर की, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, मिलते हैं सीधा स्ट्रीमिंग के टाइम, बाय। हमारे साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है, मुझे ना मॉन्ग भाई ने जो है ना हमारे ये, इनने मुझे क्या बोला भाई, तूने क्या बोला था, कितने बजे टूर्नामेंट है? 10 बजे। और है कितने बजे? 12:30। शर्म आ रही है उसको बोलते एक बार को? नहीं भाई, मैं 9:30 बजे का उठा हुआ इंसान की पंचुअल हूँ पूरा, कि टूर्नामेंट है, ये है, वो है, मजा आएगा, ये वो, ये लौंडा उठ के बोलता है अरे भाई 12:30 है। देखो भाई, दुख दर्द और पीड़ा, अभी हम जाने की सोच रहे हैं मैं और मॉन्क, किधर भाई, हिल टॉप खाने पीने ब्रेकफास्ट, और मेरे को यार जॉन्टे भाई से बात करनी है। जॉन्टे भाई की पैर छुपा देता हूँ ऐसे, यार मैं अपने भाई को ऐसे भी नहीं, हाँ कर दे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस, यार जॉन्टी भाई जल्दी मारो यार, मैंने बोला इम्पोर्टेंट बात है, आप आई भी वैसे कर रहे हो, इस ब्लॉग का फ्यूचर है यार, जल्दी आओ, ये ले छोड़ के आ गए, 2 मिनट रुक जाओ बस। आज के ब्लॉग की मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ, क्या प्लानिंग रहेगी उनसे, थोड़ा सा भाई एक्सपीरियंस है तो उनसे पूछना बनता है, ठीक है, क्या मुंदा भागी जा रहा है, तो मैं जल्दी से उनसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं क्या करूँ, वो क्या मुझे आइडिया दे सकते हैं, जल्दी से बात करता हूँ बताता हूँ, चलो। सो गाइस, अपन आ चुके हैं हिल टॉप कैफे ब्रेकफास्ट करने, मैं, जॉन्टी भाई हेलो बोलो, हाय, ओए हेलो बोल, खींच के लाया गया है, ऐसे नहीं आया हूं। हाँ, हमने थोड़ा लाइव कर रहा था, इन्होंने उठा के खींच के लाया, एक बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और यहाँ के बिठा दिया। देख रहे हो, खाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बस अभी देखो किससे बात कर रहे हो ब्रो आप, ग्रुप मैसेज, झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो, अरे चरे नॉटी बॉय, हर जगह मतलब भाई दिखाइयो मत भाई, किसी को कुछ नहीं दिखाया, मुझे भी कुछ नहीं दिखा, पर ये ब्लॉग में जरूर जाएगा, ये ब्लॉग में जाना चाहिए एडिटर ब्रो, चल कुछ हो जाए मैं लड़ाई देख लूंगा, ओके। हम आ चुके हैं, हमारा जल्दी खाने पीने का वेट कर रहे हैं, आलू आलू का नहीं, किसका पनीर का पराठा आ रहा है, जॉन्टी भाई आपका क्या आ रहा है, कुछ नहीं खा रहे, जॉन्टी भाई कैफे में पानी पीना आते हैं भाई, मैं सच्ची में वही करना है, चलो मैं डोसा वोसा खा लूंगा, डोसा खाने का सोच रहे हो, प्लेन डोसा, आज मंगलवार है ना, आज मंगलवार है ना, तो आज मैं अंडे नहीं खा सकता, बात तो सही है, सही है, डोसा प्लेन हल्का खाना, पर हम आए हमें क्या, हम तो देखो पतले से, हम तो यार देखो तो और पतला हो गया, देखो लेकिन एक सेकंड गाइस, हमारा टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा कुछ खास दिन नहीं किया, बट मेरे लिए बहुत अच्छा दिन गया, क्योंकि आज मैंने जो भी किल करे हैं 95% हेडशॉट से ही फिनिश करा है, 5% तो मैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं हुए हूँ तो एक आध, पर जितने भी किए हेडशॉट से ही है, और ऐसे देखने के लिए तुम्हें मुझे रूटर पे फॉलो करना पड़ेगा, तो जिसने फॉलो नहीं करा है जाओ ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले यहाँ पे सब्सक्राइब करो फिर वहाँ पे जाके फॉलो करना। Many hours later. तो गाइस, हम लोगों की हो चुकी है स्ट्रीम पूरी, मैं तुम्हें बता देता हूँ आज के दिन क्या स्पेशल है, आज हमारी पूरी औरंग गोटान जा रही है दृश्यम 2 देखने, तुम्हारे भाई ने ऑलमोस्ट थिएटर ही बुक कर रखा है, और मैंने ऐसे अपने 5 सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर कुछ भी आप बोल लो उनको मौका दिया है, वहाँ पे हमें मिले जो हमें 5 पहले मिलेंगे हम उनको लेके जाएंगे अपने साथ मूवी दिखाने, आप लोग अगर इस वीडियो पे सपोर्ट करो
करोगे, तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को भी और मौका मिले हम सबसे मिलने का। आप जिसके भी फैन हो, ओरांगुटान में BGMI, फ्री फायर, कंटेंट क्रिएशन, किसी के भी फैन हो, आपको सबसे मिलने का मौका मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करना है। बाय बाय। तो भाई बहुत गंदा सीन हो गया था, अभी मैं सो गया था, मेरे को 10 मिनट के लिए सोना था। मैंने कहा था कि 6 बजने में भी 10 मिनट है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा देर सो गया। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:50 हो रहे हैं, 10 मिनट में शो स्टार्ट होने वाला है। अभी 5 लोग को सिलेक्ट भी करना है, हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सबको रेडी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी आओ सारे। वैसे तो ज्यादातर लोग रेडी हैं, जैसे जॉन्टी भाई यहाँ पे रेडी होके बैठे हुए हैं, बंटर भाई रेडी हैं, बाहर अपने धीरज भाई भी रेडी होके घूम रहे हैं, और भी लोग नीचे रेडी होके बैठे हुए फर्स्ट फ्लोर पे, गिने चुने लोग हैं जो रेडी हो रहे हैं। नहीं है कोई लोग है, देखा पड़ेगा। तो यार अभी तो बोला कोई ना कोई तो है, तो और सारे बंदे कितने हैं भाई, भगवान जाने कौन कौन जाए कौन कौन ना जाए, देखा जाएगा, अभी देखते हैं। चलो तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, 10 लोग के अराउंड पहले पहुंच चुके हैं, हम 4 बैठे हुए हैं, 2 और जो हैं वो थोड़ा लेट आएंगे, 5-10 मिनट ही लेट आएंगे। हमें बूट कैंप के बाहर लोग मिले, उनको अभी से टिकट चाहिए थी, बट भाई रूल में जो था कि हमें जो मॉल में मिलेंगे हम उनको देंगे। अभी जाते हैं जल्दी से, देखते हैं कौन हमारा वेट कर रहा है कौन नहीं, सो मिलते हैं सीधा मॉल पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मॉल में, हमें पहले 2 बंदे अपने मिल चुके हैं जो आते ही हमें बोलते हैं कि उनको देख रहे हैं, तो हमने बोला तुम तो ऐड हो, अब 3 बचे हैं। अरे यार मूवी भाई यार, ये मूवी तो बोला। अरे हाँ भाई मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी गिनती के 3 से 4 सीटें बची हैं, देखते हैं हमें कौन रास्ते मिल जाते हैं और कौन को हम लेके जाते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें आगे। 12 seconds later. So guys, अपने 6 बंदे पूरे हो चुके हैं यहाँ पे, ये अपने तो ये 2 और 2 पीछे आ रहे हैं अस्तर भाई के साथ। हाँ देखा हो गए अपने बंदे तो हो गए, तो 6 बंदे हो चुके हैं, टिकटे अपने पास पहले से हैं, तो जल्दी जाते हैं और इनकी एंट्री कराते हैं। और थोड़े से लेट हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो टाइम था 7 का, मैं 7:15 के अराउंड यहाँ पे पहुंचा। सो हमने 5 लोगों का डिसाइड किया था एंट्री कराने का, बट जो लोग इतनी देर से हमारा वेट कर रहे थे, हमारा लेट होने के बाद भी हमारा वेट किया उनने, तो वो जो भी हमारे पास है, हमने उन 7 से 8 जो भी लोग थे उन सबको हमने एंट्री करा दिया है, उन सबके लिए हमने टिकट ले ली है। अभी सब अंदर बैठे हुए हैं, हमारे 3 और मेंबर आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो 3 आए और फिर हम जाए अंदर और हम भी उनके साथ एंजॉय करें। चलो मिलते हैं मूवी में, थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगा तुम्हें। हमारे साथ हो गया बहुत तगड़ा सीन, मूवी खत्म होने से पहले खराब हो गया सिस्टम पानी भाई। यार हस्तर बड़ी हटो, जो रिवील नहीं हुआ वो दूर अशु। पहले तो तुम बताओ, फर्स्ट पार्ट इसने देखा नहीं है, ठीक है, उसके बाद आधा घंटा लेट आए हैं देखने। हाँ ठीक है, आधा घंटे की मिस हो गई। हाँ उसके बाद अभी लाइट भी चली गई। यार भाई मतलब किस्मत थोड़ी खराब थी आज की, मानो या ना मानो। नहीं जय ने कुछ गलत ना करा, जय ने कुछ गलत ना करा, जय ने बहुत कुछ गलत करा, मैंने कुछ ना गलत करा भाई, जय ही गलत पैदा हो। चुप, बिल्कुल चुप। धीरज भाई ये बताओ मूवी कैसी लग रही है तुम लोगों को? हाँ वो तो देखी नहीं पूरी, तो आधी अधूरी लगेगी। नो गॉड प्लीज नो नो। भाई दूसरी बार ये सीन हो रहा है, अब क्या ये जय भाई, कुछ पावर और दिखाओ अपनी। बहुत खतरनाक एपिक टाइमिंग था भाई, मूवी इतनी जो स्लो पेस चल रही थी ना पहले हाफ से, सेकंड हाफ में आके अचानक से इतनी फास्ट हुई और उसी टाइम पे यार भाई यार ये क्या है बे भाई, इनको भाई मुझे मेरा पैसा वापस मांगता है, पैसा वापस मांगता है, व्लॉग भी बनेगा भाई, व्लॉग भी बनेगा और पैसा भी वापस आएगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। बोल रहे हैं रिफंड करेंगे पैसा, अभी इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, बोल रहे आप लोग जाओ एंजॉय। देख रहे हो प्लानिंग, देख रहे हो ना, मैंने जान पूछ के ये वाला शो और ये वाला दिन रखा था, दिमाग हमें पहले से था, बताया नहीं कभी किसी को। अरे हटो भाई, इन्हें हॉल वॉल बना रखा है कि बस मन करा बंद कर दो, मन करा कुछ। भाई 4th बार बंद हुई है भाई ये मूवी हमारी, चलते चलते पागलों की तरह भाई, छी वे कितना बेकार है भाई। अपने सारे बंदे चले गए, शिवम भाई बचे हैं और 3 अननोन जिनको मैं बता नहीं सकता तुम्हें, और अपने हाँ मेरे 3 हिटर्स हैं, ये फैन तुम्हें देखने रहेंगे कि मुझे भी नहीं दिख रहे। वो एक जिसके हाथ में फ़ोन है वो भी फैन है, वो जिसके हाथ में फ़ोन है वो फैन जैसा है पर कोच है अपना, पर ये अपनी फैन नहीं है, ठीक है भाई। okay. ये सीन मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, 10 मिनट रिवाइंड का मैं देख थोड़ी रहा हूँ इनको, की हंसू की रो भाई यार, ये सब रिफंड के लिए खड़े हुए हैं।
और अपनी 25 टिकट थी अपन रिफंड के लिए भी क्या ही बोले। रिफंड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, जो हमारी 25 समथिंग टिकट थी हमारी 20 से 25 उसको हमने रिफंड के लिए बोल दिया है। हमारे सारे बंदे बाहर जा चुके हैं फूड कोर्ट में, हम भी वहीं जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं अभी गोलगप्पे खाने क्योंकि भाई फूड कोर्ट हो चुका है बंद। हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि हम बड़े लोग हैं ना, तो हमें रिफंड एंड ऑल का थोड़ा सब कुछ देखना था, तो हम वो संभाल रहे थे। और अभी हम जा रहे हैं, ये लोग पहुंच चुके हैं सारे, हमारी बहुत बड़ी पंटर। आज पता चल रहा है गोरिल्ला एप अपने वो खाते हैं गोलगप्पे। बताओ यार क्या गलत सीन है भाई। Feeling like it's out here, driving towards the sun.